प्रेमियों जय सच्चिदानंद, कैसे हैं आप सब। संतों ने एक कहावत कही है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जो व्यक्ति मांगता है उसकी पूर्ति कभी नहीं होती, और जो नहीं मांगता है उसके भंडार कभी खाली नहीं होते। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गया। दुकानदार ने जब बच्चे की मासूमियत को देखा तो उसे देखकर दुकानदार ने अपनी दुकान के सारे डब्बे टॉफियों के खोल दिए और बच्चे से कहने लगा, बेटा तुम्हें जो भी टॉफी अच्छी लगती है तुम जितना जी चाहे ले सकते हो। बच्चे ने बड़े प्यार से मना कर दिया, अंकल मुझे नहीं चाहिए। दुकानदार ने दोबारा कहा, तिबारा कहा, बार बार कहा, लेकिन बच्चे ने बार बार मना कर दिया। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा ले लो, अंकल इतना जिद कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया। अंत में दुकानदार ने अपने हाथों से टॉफियां निकाली और बच्चे को दे दी। बच्चे ने झट से टॉफियां ले ली और अपने जेब में रख ली। वापस जाते समय उसकी माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा एक बात बताओ, जब दुकानदार ने तुमसे बार बार आग्रह किया कि टॉफियां ले लो, टॉफियां ले लो, तब तुमने टॉफियां नहीं ली, और जब दुकानदार अंकल ने अपने हाथों से दी तो तुमने ले ली, ऐसा क्यों? तो बच्चे ने कहा, माँ देखो आप, मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, अगर मैं अपने हाथों से टॉफियां लेता तो कितनी लेता, 2, 3, 4 और कितनी ले लेता, लेकिन अंकल के हाथ बड़े बड़े थे, उन्होंने जब अपने हाथों से टॉफियां दी तो मेरे पास बहुत सारी टॉफियां आ गई जो मैं कई दिन तक खाऊंगा। अब माँ आप ही बताओ, मैं तब फ़ायदे में था या मैं अब फ़ायदे में हूँ। माँ को हंसी आ गई। प्रेमियों, इसी प्रकार हमें भी सद्गुरुदेव भगवान के देने का इंतजार करना चाहिए। न जाने कब मुझे वो समुद्र देना चाह रहे हों और हम एक चम्मच लिए खड़े हों तो मेरे पल्ले क्या पड़ेगा। प्रेमियों, थोड़ा सा इंतजार करें, धीरज धरें और सद्गुरुदेव भगवान का नाम स्मरण करते रहें। समय आने पर सद्गुरुदेव भगवान सबकी झोलियाँ भरेंगे। जय सच्चिदानंद।